नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहार के नाम जोड़ सकता है एक और उपलब्धि। एक बार फिर से बिहार की धरती पर एक और कीर्तिमान रचने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, जिसके तहत जल्द ही बिहारवासी आयोजित होने वाले पिछले दो श्रृंखलाओं से बड़ी श्रृंखला बनाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनने वाले अब तक के सबसे बड़े श्रृंखला का आयोजन आज किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 4,27,00,000 लोग सामने आएंगे। खबरों की माने तो अगर इस श्रृंखला का आयोजन सफलतापूर्वक हो गया तो बिहार के नाम एक और उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए जल्द ही बहाल किए जाएंगे नए कर्मी। बिहार ग्रामीण विकास कार्यों को सफल बनाने के लिए जल्द ही नए कर्मियों की बहाली की जाएगी, जिसके तहत अब जल्द ही ग्रामीण विकास विभाग संविदा के आधार पर बहाली प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रामीण विकास विभाग संविदा के आधार पर सहायक और लिपिकीय श्रेणी में नियुक्तियां करने जा रहा है। इन बहालियों की सबसे खास बात यह है कि इन बहालियों में सेवानिवृत्त अफसरों की प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि खबरों की माने तो ग्रामीण विकास कार्यों के लिए काफी अनुभव की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए काम कर चुके अफसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीएसएससी कार्यालयों में शोरगुल के बाद रिजल्ट की तारीख की गई जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में बीते दिन इंटर स्तरीय परीक्षा के परिणाम की घोषणा नहीं होने के कारण इसका विरोध कर रहे छात्रों ने जमकर शोर मचाया। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों ने तो जबरदस्ती आयोग कार्यालय में घुसने की कोशिश भी की, जिसके पश्चात सड़क पर उतरे सभी छात्रों ने आयोग दफ्तर के बाहर बैठकर विरोध करना चालू कर दिया। इन सब के बीच आयोग ने जैसे तैसे करके 20 फरवरी को रिजल्ट जारी करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, विभाग ने इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूपीएससी में जल्द ही कम हो सकती है वैकेंसी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। इस बार होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में वैकेंसी की संख्या में कमी हो सकती है। खबरों की माने तो इस साल होने वाली इस परीक्षा में लगभग 100 वैकेंसी कम हो जाएंगी, क्योंकि हाल ही में रेलवे ने यूपीएससी में अपने ग्रुप ए अफसरों की भर्ती का अनुरोध वापस ले लिया है। हालांकि कुछ समय पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने खुद संघ लोक सेवा आयोग को विभिन्न कैडरों में ग्रुप ए अफसरों की भर्ती का अनुरोध पत्र भेजा था, जिसके पश्चात रेलवे ने उसे वापस ले लिया था। पटना के गांधी घाट पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गांधी घाट बिहार के पटना शहर में गंगा नदी के तट पर सबसे लोकप्रिय घाटों में से एक है। यह लोकप्रिय है क्योंकि महात्मा गांधी की राख यहीं पर विसर्जित की गई थी। हालांकि इस स्थान का मुख्य आकर्षण गंगा आरती है, जिसमें हजारों भक्तों के साथ साथ पर्यटक भी शामिल होते हैं। आरती संध्या में की जाती है, जिसमें 51 पुजारियों का एक समूह होता है जो भगवा वस्त्र पहने होते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गांधी घाट पर आरती की यह प्रथा साल 2011 में शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, इस जगह पर हर दिन शाम में लोग अपना समय बिताने भी जरूर आते हैं। आईसीएसई आईएससी परीक्षा का डेट शीट हुआ जारी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईएससी यानी कि 12वीं और आईसीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है, जिसके तहत 10वीं की यह परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हो जाएगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी सभी स्कूलों को सौंप दी गई है। बाजारों में मिल सकते हैं 25 रुपए किलो प्याज। पिछले दिनों भारत में प्याज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मोदी सरकार ने तुर्की और मिस्र से प्याज का आयात किया है। बताया जा रहा है कि 34,000 टन प्याज का आयात किया गया है, जिसे मोदी सरकार 25 रुपए किलो में बेचने वाली है। ये वे प्याज हैं जो राज्य सरकार खरीद नहीं रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार प्याज के लिए कोई खरीदने वाला नहीं है, इसीलिए मोदी सरकार ने यह निश्चय किया है कि आने वाले समय में प्याज को 25 रुपए किलो में बेचा जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले इसे 55 रुपए किलो में बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में इसे 25 रुपए किलो कर दिया है। ट्रेनिंग कॉलेज में मनमानी करने वाले छात्रों पर सख्ती से पेश आएगा विभाग। बिहार के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अपने मनमाने तरीके से पेश आने के साथ कॉलेज परिसर को नुकसान पहुंचाकर कॉलेज का माहौल खराब करने वाले छात्रों पर अब शिक्षा विभाग सख्ती से पेश आने वाला है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए यह साफ कह दिया है कि ट्रेनिंग संस्थान को मजाक समझने वाले छात्रों से ही बर्बाद हुए सामानों के एवज में राशि ली जाएगी। जमीन के लगान की होगी अब ऑनलाइन भरपाई। शनिवार को सचिवालय स्थित कार्यालय में आयोजित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जमीन की लगान जमा करने की प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत उन्होंने यह ऐलान किया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में अब भू लगान जमा करवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिसके तहत अब सरकार ने आम नागरिकों को अपने जमीन की लगान की राशि क्रेडिट डेबिट कार्ड से स्वीकार करने के साथ साथ लगान जमा करवाने की पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज करने पर मुहर लगाई है। 25 जनवरी से पटना में दिखेगा पहलवानों का जमावड़ा। पटना के पाटलिपुत्र मैदान खेल परिसर में बिहार कुश्ती संघ की ओर से आयोजित होने वाले 39वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालक और 23वें बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि यह प्रतियोगिता 28 जनवरी से शुरू होने वाली है, मगर खिलाड़ियों का आगमन 25 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बिहार की टीम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही घर में प्रतियोगिता के आयोजन से बिहार के खिलाड़ियों के लिए खेलना थोड़ा आसान होगा।
जेईई मेन 2020 का रिजल्ट हुआ जारी। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जेईई मेन 2020 परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी है, जिसमें लगभग 9 छात्रों को पूरे 100% आए हैं। हालांकि इस 100% वाले छात्रों में बिहार के एक भी छात्र का नाम शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, सुपर 30 संस्थान के लगभग 6 छात्रों ने 99% से अधिक स्कोर किया है। वहीं बिहार के शुभ कुमार ने 99.9972380% के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। पुरस्कार वितरण के साथ बौसी मेले का हुआ समापन। बिहार के बांका जिले में आयोजित मंदार महोत्सव का समापन हो गया है, जहां पर इस महोत्सव के आखिरी दिन की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसके पश्चात कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जहां दिन खत्म होते होते सभी कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही किसानों को भी उनके कृषि प्रदर्शन में प्रदर्शनी पेश करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर प्रथम आए किसानों को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों को भी सांस्कृतिक और पेंटिंग कार्यक्रम में जीतने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। ग्रीक डोरिक शैली में बनाया गया व्हीलर सीनेट हॉल, ये वही सीनेट हॉल है जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता सुनाई थी। पटना के अशोक राजपथ स्थित इस व्हीलर सीनेट हॉल के निर्माण की कहानी भी बड़ी रोचक है। बात उस दौर की है जब पटना विश्वविद्यालय के पास दीक्षा समारोह या किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसको देखते हुए पटना विश्वविद्यालय के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर सैयद सुल्तान अहमद ने मुंगेर के राजा देवकीनंदन सिंह की मदद से ग्रीक डोरिक शैली में चांसलर सर हेनरी व्हीलर के नाम पर इस सीनेट हॉल का निर्माण करवाया था। तब से लेकर अब तक इस सीनेट हॉल में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। पटना में लगी सब्जियों की प्रदर्शनी में 6 फीट का दिखा कद्दू। पटना के ज्ञान भवन में इस साल के पहले तरकारी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बिहार के कई जिलों की सब्जी की खेती करने वाले किसानों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जहां पर महोत्सव में अलग अलग तरह की सब्जियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसके तहत 6 फुट के कद्दू, 4 किलो की गोभी की भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ज्ञान भवन में आयोजित यह कार्यक्रम 19 तारीख तक जारी रहेगा। अब आइए जानते हैं बिहार के जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे रामचंद्र झा की। कवि, उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र झा का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 8 मई 1928 को हुआ था। रमेश चंद्र झा लक्ष्मी नारायण झा के पुत्र हैं। मई लक्ष्मी नारायण झा, जिन्हें आजादी के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। रमेश चंद्र झा सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने अपने और सपने अ लिटरली जर्नी ऑफ चंपारण का शोध किया था, जहां पर उन्होंने चंपारण की समृद्ध साहित्यिक विरासत के बारे में पता लगाया था और लोगों को बताया। इतना ही नहीं, रमेश चंद्र झा के भारत की आजादी में योगदान के लिए इंदिरा गांधी ने तमरा पत्रा से उन्हें सम्मानित भी किया था। इंटरनल असेसमेंट में हुई गड़बड़ी तो रिजल्ट जारी नहीं करेगा बोर्ड। सीबीएसई ने साल 2020 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले सभी स्कूलों से उनके यहां पढ़ रहे सभी छात्रों के इंटरनल असेसमेंट बोर्ड को भेजने की मांग की है। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पकड़ी गई तो ऐसे में बोर्ड उन छात्रों का एडमिट कार्ड रोक देगा। अगर फिर भी किसी कारणवश एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया तो बाद में नजर आने पर बोर्ड उन छात्रों का रिजल्ट रोक देगा। इस बाबत सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर सभी स्कूलों को जानकारी दे दी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए अधिकारियों को जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। कुछ दिनों बाद आयोजित होने वाले बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को नजरअंदाज करने के लिए बिहार बोर्ड ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत हर 4 परीक्षा केंद्र पर एक गश्ती दल की तैनाती के साथ जरूरत के हिसाब से उड़न दस्तों की भी तैनाती किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने सभी अधिकारियों से परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों का खास ध्यान रखने को भी कहा है। बिहार में चलाता था रिक्शा, अब बन गया है टेली लॉ योजना का पोस्टर बॉय। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई टेली लॉ योजना के प्रचार प्रसार में टेली लॉ का पोस्टर बॉय बना है बिहार का एक मामूली रिक्शा वाला भरत यादव ही। इस तस्वीर को कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से प्रकाशित की गई इस पोस्टर में देश भर में केंद्र सरकार की इस नई योजना का प्रचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार की इस नई पहल से केवल बांका जिले की अगर हम बात करें तो अब तक वहां 1000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं भरत यादव को खुद भी इस योजना का लाभ मिला है। भागलपुर में केंद्र सरकार की नीतियों पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा अपने समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा के तहत भागलपुर स्थित सुल्तानगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर जमकर बयानबाजी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी लाई गई दोनों नीतियों एनआरसी और सीएए पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जब तक केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक हमारा यह अभियान यूं ही चलता रहेगा। जिन लोगों को खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है वो लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कागजात कहां से लाएंगे। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा सवाल, समूचे बिहार में जागरूकता फैलाने की राज्य सरकार की इस पहल पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। आज समूचे बिहार में श्रृंखला के आयोजन को लेकर लगातार विपक्ष बिहार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। पहले लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव और अब उन्हीं के सुर में सुर मिलाती राबड़ी देवी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा है कि इससे पहले नीतीश सरकार द्वारा लाई गई श्रृंखला का हमने समर्थन किया था, मगर क्या हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब एक बार और श्रृंखला की नौटंकी क्यों मुख्यमंत्री जी, आप क्यों गरीबों का हक खाने में लगे हुए हैं।
मेघना के अर्धशतक से भारत ने बांग्लादेश को हराया सेमीफाइनल में। पटना के ऊर्जा मैदान में आयोजित महिला T20 चतुष्कोणीय सीरीज में इंडिया बी और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में इंडिया बी ने बांग्लादेश को 14 रनों से हरा दिया है, जिसके साथ ही इंडिया बी की टीम सीधे फाइनल में पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इंडिया बी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके पश्चात भारत की मेघना ने शानदार पारी के साथ अर्धशतक लगाया, जिसके बदौलत इंडिया बी ने 20 ओवर में 112 रन बनाए और यह मैच अपने नाम दर्ज किया। इंस्टाग्राम ने जारी किया अपना नया फीचर। सभी इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए खुशखबरी, टिकटॉक की ही तरह बुमरैंग स्टोरीज फीचर्स को इंस्टाग्राम ने हाल ही में रोल आउट किया था। इसके बाद अब एक बार फिर से इंस्टाग्राम अपने ऐप पर एक नया फीचर लाने जा रहा है, जिसके तहत अब इंस्टाग्राम यूजर मोबाइल की तरह ही डेस्कटॉप से मैसेज का रिप्लाई कर सकेंगे, जिसकी जानकारी इंस्टाग्राम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर कर दी है। हालांकि अभी तक इस नए फीचर के आने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। चलिए जानते हैं अजब गजब नुस्खों के बारे में। अक्सर यह देखा गया है कि ठंड के मौसम में आपकी स्किन रूखी और ड्राई हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप ठंड के मौसम में भी रूखी स्किन से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले है मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल। मॉइस्चराइजर स्किन और वातावरण के बीच में एक शीट की तरह काम करता है, जो स्किन को रूखा होने से रोकता है। दूसरा है मसालों का इस्तेमाल। जी हाँ, आपने सही सुना, मसालों के इस्तेमाल से आप आसानी से अपने रूखे चेहरे से छुटकारा पा सकते हैं। दालचीनी और शहद का पेस्ट बनाकर लगाने से फटी हुई स्किन ठीक हो जाती है। अगला है नींबू। विटामिन सी से भरपूर नींबू चेहरे का रंग साफ करने में बेहद ही कारगर साबित होता है। नींबू के रोज के इस्तेमाल से आपकी रूखी त्वचा पहले जैसे मुलायम हो सकती है। बेटी सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर पर सैफ ने दिया अपना रिएक्शन। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म लव आजकल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसको देखकर सारा और कार्तिक के फैंस तो बस अब इस मूवी के इंतजार में हैं। वहीं लव आजकल 1 में मुख्य किरदार निभा चुके सैफ अली खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुझे लव आजकल 1 का ट्रेलर ज्यादा पसंद आया था। इसके साथ ही उन्होंने बेटी सारा और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी है। राहुल की स्टंपिंग देख फैंस ने कहा, पंत नहीं राहुल है दूसरे धोनी। ऋषभ पंत के गेम से बाहर होने के कारण विकेट कीपिंग की कमान संभाल रहे केएल राहुल ने अपने विकेट कीपिंग से सभी को काफी प्रभावित किया है। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियन कप्तान एरॉन फिंच को जिस तरह उन्होंने स्टंप किया, उसे भारतीय फैंस ने उन्हें दूसरे धोनी का दर्जा दे दिया है। कई फैंस का तो यह भी कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की है, साथ ही भारतीय टीम के लिए आखिरी में आकर फिनिश किया है, उससे ऐसा लगता है कि भारत को दूसरा धोनी मिल गया है। इस फैन का कहना है कि अब ऋषभ नहीं बल्कि राहुल से ही आगे भी विकेट कीपिंग करवाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज के इस निर्णायक मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है और आपके हिसाब से भारतीय टीम को आज के मैच में कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।